अब अब बैक्टीरिया की जो है वो पिक्चर भी देखी हैं। भी है इधर भी उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैक्टीरिया का अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं मेन क्या चीज है सेल वॉल उसके बाद सेल वॉल के ऊपर इस जो ये बैक्टीरिया की इन्होंने जो पिक्चर दी है इसके ऊपर कैप्सूल भी है जो कैप्सूल होता है वो अलग से एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि बैक्टीरिया को मजीद प्रोटेक्शन देता है फिर इन्होंने जो है वो आपको और उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स को मैंशन किया हुआ है दैट इज प्लाज्मेड प्लाज्मेड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल डी होता है तो आ, उसका भी जो है वो फंक्शन जो है वो अलग से होता है बैक्टीरिया का ये हम जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो मजीद डिटेल में पढ़ सकते हैं उसके अलावा इनके पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक हैं और राइबोसोम्स हैं और फ्लैजम है और इनके डिफरेंट ऑर्गेनल इन्होंने लेबल किया हुआ नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं अच्छा इनके पास जो है वो स्पेशल करेक्टर क्या है कि ये फोटो सिंथैटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके पास इनको फोटो सिंथैटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं इनके पास जो है वो ये ऑटोट्रोप होते हैं ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है इसमें इन्होंने इनके कुछ जो है वो लेबलिंग की हुई है

मोस्ट प्रोटेस्ट एर इक्वेटिक इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ इन यूनिस और एलगी अब इधर इन्होंने जो है शो की हुई है आ, दो ऑर्गेनिजम की इमेज फर्स्ट इज पैरामीशियम प्रोटोजोआ एंड नेक्स्ट इज एल्गी एल्गी और, और प्रोटोजोआ जो है वो एक्वाटिक जो है वो इन्वायरमेंट के हैं आ, आ, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं और एल्गी जो है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है ये जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वेर एज पैरामेशम लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेड ठीक है तो इन ये जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ज्यादातर और उसके अलावा ये दोनों जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं देट आर यू क्यूरोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनि सेलोलर यू क्यूरोटिक ऑर्गेनिज्म ठीक है अब आप नेक्स्ट किंगम पे आ जाए देट इज किंग फंजाइव इट इंक्लूड ऑल द मल्टी सेलोलर यू क्यूरोटिक फनजाइम

विच वी कैन ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप ठीक है इसमें उन्होंने म्यूकर की इमेज दिखाई भी है जो कि हम डायरेक्ट uh, नहीं देख सकते इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट किंगडम दैट इज किंडम प्लांटी It is the place for all multicellular eukaryotic photosynthetic organisms. They have cell wall mainly made up of cellulose. It includes multicellular algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm. As we have learned in kingdom fungi, the cell wall is made up of chitin, whereas in kingdom plantae, the cell wall is made up of cellulose. This is the main difference between kingdom plantae and kingdom fungi. बिकॉज किन्डम फंजाई जो है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है दैट इज हीट्रोट्रोप और जो हमारे किंगडम प्रोटस्ता थे उनमें क्या हो रहा था कि उनके पास फोटोसिथे फोटोसिंथेटिक भी थे वो और इसी तरह जो हमारे किंगडम मोनैरा है उसमें भी साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है उनके पास भी फोटोसिथे सिंथेटिक जो है वो एल्गी वो बैक्टीरिया भी कहलाते हैं उसी तरह किंगडम प्लांटी के अंदर भी जो है वो ये एबिलिटी है कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं दैट आर फोटो सिंथेटिक उसके अलावा दे आर यूक्रिया वो ये यूक्रियाड्स हैं और ये मल्टी हैं ठीक है हमारे किंगडम प्रोटेस जो है वो क्या है यूनिसेलुलर है लेकिन ये क्या है मल्टी है अब इन्होंने यहाँ पर आपको जो है वो इमेजेस दिखाई हुई हैं फर्स्ट क्या है उल्वल एक्टुका और सेकेंड है ब्रायोफाइट्स ठीक है अब जो ये उल्वल एक्टुका है इसमें जो मेन चीज जो है क्या है दैट इज थेल यही कि इनका जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है थैलेस लाइक स्ट्रक्चर है इनका और फिर इन्होंने ये जो है uh, कुछ और लेबलिंग दिखाई हुई दैट इज होल फॉर एंड आंट्यूलेट मार्जिन ठीक है वो जो ये इसमें लाइनिंग्स दिख रही हैं वो

उसके अलावा ये मल्टी सेलुलर है और इनके पास सेलवॉल नहीं होती इनमें तमाम वर्टिब्रिड्स और इनवर्टीब्रिड्स आते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोआ बिकॉज प्रोटोजोआ जो है वो किस किन्नम में थे दैट आर प्लेस्ड इन किन्नम protista. Uh, now come to the next page in which we will compare all the kingdoms together in one chart. So here it is our chart. Comparative characteristics of five kingdom life. Five kingdoms. Characteristics, monera, protista, fungi, plantae, animalia. So first character is cell type. In Monera, they are prokaryotes. And while the other respective kingdoms, they are eukaryotes. Cell wall. Uh, in kingdom Monera, it is made up of polysaccharide plus amino acid or sometimes cellulose. Whereas in kingdom protista, present in some. In some organisms, cell wall is present. And uh, uh, in some organisms, cell wall is not present. While well, in kingdom fungi, the cell wall uh, is present without cellulose, and in kingdom Penanti they are made up of cellulose. Present uh, uh, cell wall is present, and it is made up of cellulose. And in fungi, the cell wall is made up of chitin. Chitin is made of. I Remember, and in kingdom animal, the cell wall is absent. Next character is nuclear membrane.

प्रो क्रियॉर्ड्स हैं इसीलिए प्रोक्रियॉर्ड के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मैंब्रेन नहीं होती जो मैं ये बार बार कह रही हूँ कि दे आर नॉट मेमब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल दे हैव एन एनी मेम्बरेन बाउंड ऑर्गेनियस सो तो ये इसीलिए बोल रही हूँ कि उनके जो है वो ऑर्गेनल जो होते हैं उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती सो इन किंगडम मोनैरा द न्यूक्लियर मैंब्रेन is absent while the rest of the kingdoms have nuclear membrane sub kingdoms ke uh, uh, nucleus ke nuclear membrane uh, the fourth characteristic is body organization सेलुलर विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनिल इनकी जो वही बात आ गई जो किन्नम हैं उनकी कौन सी टाइप है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेलुलर है और उनके जो ऑर्गेनिल्स हैं वो बाउंडेड नहीं होते उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती वेयर हैज प्रोटेस्ट आर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन फंजाई दे आर मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू इन प्लांटी टिश्यू एंड ऑर्गेन एंड इन एनिमीलिया टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम किन्नम मोनैरोस कौन से हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं तो इनकी सेलुलर टाइप ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी वेयर फंजाई प्लस माइक्रो फनजाई एंड दे आर मल्टी सेलुलर तो इनके जो टिश्यूज होते हैं वो लूज टिश्यू होते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं वे किन्नम प्लांटे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर उनके पास ऑर्गन uh, uh, भी होते हैं और टिश्यूज भी होते हैं और अगर आप किंगडम एनिमेलिया पे आ जाए तो ये एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म और्गान, हैं जिनके पास टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गे और सिस्टम सारी तरह की चीजें मौजूद ठीक है अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंडम मोनेरा, दे आर ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एंड हीट्रोट्रोपिक सेप्रोफाइट प्लस पैरासाइट सो so, इनके जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ऑर्गैनिज्म स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं दे आर ऑटोट्रोव वो अपना ख़ुद भी फूड प्रिपेयर करते हैं दे आर कीमोसिंथेटिक वो जो है केमिकल्स के थ्रू भी जो है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है केमिकल्स डिफरेंट केमिकल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं उनसे अपना फीडिंग पर्पज़ uh, पूरा करते हैं दे आर फोटो वो अपना जो है वो लाइट के जरिए सनलाइट के ज़रिए भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड हीट्रोट्रॉपिक और वो हीट्रोट्रॉपिक भी हैं, वो फीडिंग पर्पज फीडिंग भी करते हैं वो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है उनका और दे आर सैप्रोफाइड प्लस पैरासाइट जो उनका हीट्रोट्रोपिक मूड है वो दोनों तरह का है सेप्रोफाइट भी है और पैरासाइट भी है मतलब या तो वो अपने होस्ट के साथ जब वो होस्ट के ऊपर फीड कर रहे होंगे तो वो उसको नुकसान नहीं देंगे और पैरासाइट पैरासाइट भी हैं कि जब वो होस्ट के ऊपर फीड करेंगे उनसे अपना खाना खाएंगे तो वो उनको उसके बदले में नुकसान पहुँचाएंगे हार्म करेंगे एंड दर्गेनिज ऑफ किंगडम प्रोटेस्ट हैव ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक एंड हीट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक है फोटोसिंथेटिक और हीट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड इन फंजाई हीट्रोट्रोपिक सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक अब फंजाई तो बहुत सारे ह्यूमन uh, में भी जो है वो डिजीजेस uh, कॉज um, करता है जो कि ऑफकोर्स उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है पैरासिटिक होता है Uh, in Kingdom Plantae, they are autotropic. Fully, they are autotropic because they have photosynthetic, they are photosynthetic organisms. Uh, while in Kingdom Animalia, they are heterotropic, holozoic, or saprophytic, and etc. अब हो, होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है सिंपल न्यूट्रिशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिस तरह से हम ह्यूमन जो हैं वो अपने माउथ के जरिए खाना खाते हैं सॉलिड फूड जो है वो खाते हैं तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वायरस इज नॉन सेलुलर ऑब्लिगेटेड एंडोपैरासाइट्स Lives inside host cell. It does not have cellular organization, but do have nuclear material, either DNA or RNA. It has protein code called capsid that encloses the nucleic acid. It reproduces only inside the host cell due to its non-cellular nature. It cannot be placed in any of five kingdom. It causes number of diseases in plant like tobacco mosaic disease, etc. Animal like cold, flu, dengue, polio, hepatitis, AIDS, etc. अब स्ट्रक्चर जो है वो वायरस का किस तरह का है देआर ऑब्लिगेट एंडोपेरासाइड ये जो है सिर्फ जब होस्ट सेल के अंदर जाते हैं लिविंग होस्ट के अंदर तब ये एक्टिवेट होते हैं इनके uh, वरना अगर ये uh, होस्ट सेल के बाहर होंगे तो ये जो है वो एक्टिव नहीं होंगे और ये uh, जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे ये जब ह्यूमन के अंदर आएंगे या कोई भी इनका जो भी होस्ट होगा उसके अंदर जाएंगे तो उस उसके बाद ये रेप्लिकेट करेंगे ग्रो करेंगे और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स में डिजीज करते हैं ये प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं ये ह्यूमन के अंदर जो है वो डिजीज कॉज करते हैं काफी सारे एनिमल्स के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं कोविड नाइन्टीन जो है हमारा अभी जो बहुत ज्यादा इन है आ, देट आर ऑल्सो वायरस ये और जो है वो वायरस है जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं डिजीज फैली हुई है तो एक और इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है लाइन को प्रियॉन एंड आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन फाइव क्लासिफिकेशन ये भी एक जो है वो प्रोटीन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और ये वायरस की ही सब टाइप में जो है वो समझ लेके पढ़ा जाता है तो इसीलिए इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं पुट किया हुआ थैंक यू क्लास